बना रही हूँ, आज आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये ना मैंने चावल के रखे हैं, और ये आपको दिख रहा है, तो सुन मैं बैक कैमरा से आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर जो है ना ये कुल्थी है, इसको गौहद भी बोलते हैं, हमारे वहाँ पर पहाड़ी है ये, पहाड़ में मतलब ये, लेकिन ये तो यहाँ का ही है, पहाड़ी गौहद मैंने यूज़ नहीं किया है, मैंने इसको भिगा दिया है और यहाँ पर रखी है कढ़ाई, भिगाया मतलब 4 घंटे पहले भिगा दिया था। और ये चावल मैंने भिगोने रखा था लगभग 1/2 घंटे के पहले, और अभी मैं इसको डाल दूँगी कुकिंग के लिए। और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा घी, घी डाल देती हूँ मैं चावल में आजकल, क्योंकि ये चावल ना बहुत ज़्यादा पुराना वाला आ गया, तो एकदम बहुत ज़्यादा खिला खिला बन जाता है, इसके लिए इसको भिगाना पड़ता है। और मेरे ससुर जी को थोड़ा ऐसा गीला वाला चावल पसंद है, पर इतना गीला नहीं बनता है ये, पर खिला खिला ही बनता है, पर थोड़ा सा घी डाल दो तो और ज़्यादा टेस्ट आ जाता है, इसलिए मैं घी डाल देती हूँ चावल बनते समय। तो लगभग 1/2 चम्मच 1 चम्मच घी डाल दो, अच्छा भी होता है यार, घर में जो घी नहीं खाता तो चलो वो भी घी खा रहता है, क्योंकि घी तो घर में बनता ही है ना आजकल, मलाई के साथ तो घी अच्छा खासा बन जाता है हमारा, तो रोज मतलब 15 दिन में बन जाता है बहुत, तो हम लोग घर का ही घी यूज करते हैं, बाहर से नहीं लाते हैं। हाँ, दिया जलाने के लिए खाली बाहर से घी लेके आते हैं, और वो गाय का, और ये वाला घी हमारा खाने के लिए, कुछ भी जो हम घर घर में खाते हैं उसके लिए हो जाता है, हलवा वगैरह के लिए। तो यहाँ पर मैं रख दूँगी इसको वो करने के लिए, और जो ये बहुत कुल्थी आपके वहाँ क्या बोलते हैं इसको ज़रूर बताना, ये वाली दाल को जो ना स्टोन में भी, जब स्टोन हो जाता है तब भी खाते हैं उसका पानी, उसको पका के उसका पानी पीते हैं, उसको क्या बोलते हैं आपके वहाँ ज़रूर बताना। और ये मैं इसका डुबका बना रही हूँ, मतलब पीस के कड़ी की तरह, जैसे आप लोग कड़ी बनाते होंगे, डुबका सिर्फ पहाड़ी लोग ही जानेंगे, और तो डुबका बना रही हूँ मैं, तो इसको मैं डाल दूँगी मिक्सी में और इसको पीस लूँगी मैं। भिगा के रख दिया था 3-4 बार धो के मैंने भिगाया था, तो मैं इसको पानी सहित वो करूँगी, क्योंकि भीगने में इसका पानी भी जो इसमें गया होगा ना वो भी इसका टेस्ट आएगा। और ये बाज़ार वाला है, घर वाला नहीं है, क्योंकि गांव से भी आया था जब मैं गई थी मायके, तो हल्द्वानी से मैं लेके आई थी, पर अभी वो कम ही बचा है, तो मैंने सोचा चलो ये वाला भी ट्राई करते हैं ये कैसा बना था। ये भी टेस्टी बना था, पर जो गाँव के उसकी बात होती है वो नहीं आती ना कोई भी चीज़ में, है घर की चीज़ जो होती है वो ज़्यादा ही टेस्टी होती है। तो इसको इस तरीके से मैं वो करके पीस लूँगी, और उसके बाद यहाँ पर ना मैंने पानी उबालने के लिए रख लिया। और आपके पास अगर चावल का आटा नहीं है ना, तो आप चावल भिगा के भी वो कर सकते हैं, मेरे पास तो चावल का आटा मैं नहीं था और भिगाना भी भूल गई, इसलिए मैंने ना यहाँ पर 2 चम्मच आटा ले लिया है, गेहूं का जो आटा रहता है मैंने पलथन के लिए रखा था वो ही ले लिया है, और पीस के ले लिया। देखो यहाँ पर जो इसका पेस्ट था वो बना के रख लिया, और यहाँ पर मेरा पानी भी बॉईल हो रहा है, तो इसका मैं अच्छे से पेस्ट बना लूँगी, बिस्वार बोलते हैं हमारे वहाँ पर, इसको डाल दूँगी, क्योंकि जब हम ये सब चीज़ें बनाते हैं जैसे कढ़ी भी बनाते हैं तो उसको डालते हैं ना, उसी तरीके से हमें इसको भी इसमें डाल दूँगी, इसी तरीके से इसका बेसन जैसे डालते हैं हम कढ़ी में, इसी के से ये आइस में डाल, चावल के आटे से बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, चावल का आटा ना डुबका बनाते हो, लेकिन मैं भूल गई थी उस वक्त, फिर मैंने सो देती हूँ। तो 1 चम्मच 2 चम्मच काफ़ी होता है, क्योंकि ये गाढ़ा हो ही जाता है वैसे ही पकने के बाद। और यहाँ पर मैंने पानी ले लिया है, देखो पानी में इसको मैं डाल दूँगी, बाद में मुझे और पानी लगेगा तो और डाल दूँगी, क्योंकि ये जितना पकते रहता है उतना गाढ़ा होते रहता है। तो कढ़ी की तरह ही बनाना है, जैसे कढ़ी बनती है, जैसे आप लोग कढ़ी बनाते होंगे तो उसी तरीके से बनाना है, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गर्म पानी में बाहर निकालूंगी, क्योंकि ज़्यादा जैसा लग रहा था मुझे, और ये जो मिक्सर में भी लगा होगा ना उसमें भी डालने के लिए ठीक रहेगा ये, इसी तरीके से बनाती हूँ। और मुझे ये बहुत ज़्यादा टेस्ट लगता है, मेरे बच्चों को भी पसंद है, बस मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने ना पहले कभी खाया नहीं है, शायद मम्मी नहीं बनाती होगी, लेकिन इनको सब बहुत, मम्मी को पापा को बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है अब, और मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं, और मेरे बच्चे ना कुछ भी खा लेते हैं, उनके लिए तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, जो घर में बनेगा वो चीज़ खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि वो नाटक करेंगे, बस इनका ही नाटक रहता है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अब मैं कुछ भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, तो फिर इनके लिए अगर वो सब्ज़ी नहीं खाएंगे तो इनके लिए अलग सा बनाना पड़ता है, बस इनका ही रहता है और सब लोग तो खा ही लेते हैं। तो गाइस इस तरीके से मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये फटे ना, सेम कढ़ी वाला ही प्रोसेस होता है इसमें, देख लीजिए। और इसमें सारे मसाले भी इसी तरीके से डालेंगे, बाद में इसमें अच्छा सा तड़का लगेगा, हींग और जम्बू ग्रैंड होती है ना उस चीज़ का तड़का लगता है इसमें, तो इस तरीके से मस्त वाला तड़का लगेगा और ये खाने में भी बड़ा मस्त सा बनना रहता है।
टेस्टी सा। इसमें हल्दी मिर्ची नमक सब ऐड कर देंगे, ऐसे ही पकने देंगे खूब सारा, और उसके बाद बाद में लगाएंगे तड़का और हरा धनिया डाल देंगे। हींग का भी तड़का लगेगा अच्छा वाला, टेस्टी सा बनता है ये डुबका। जो पहाड़ी लोग होंगे ना वो लोग ज़रूर इसको मिस करते होंगे जहाँ नहीं मिलता होगा, है कि नहीं। तो ये लगभग बन चुका है, देखिए तैयार हो गया, बन के इतना गाढ़ा सा हो गया। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूंगी और लास्ट में इसमें तड़का लगा दूंगी और थोड़ा और पकने दूंगी, जितना आप पकने दोगे उतना अच्छा होएगा। बस ये बन के हो गया है रेडी और इसमें लगेगा तड़का, जिसको जिसको खाना है आ जाइए। और ये है शाम की क्लिप। तो यहाँ पर मैं ना अरबी की सब्जी, अरबी की सब्जी मेरी फेवरेट सब्जी है, टमाटर। और यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ, ये मेरे हस्बैंड को अब मैं बनाऊंगी है तो उनके लिए मैंने आलू उबाल रखा है। और अरबी की सब्जी बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, अरबी को थोड़ा स्मैश कर लूँगी ऐसी। और यहाँ पर मैं इसमें मैं लगाती हूँ मेथी का तड़का, जीरा राई नहीं डालूँगी, खाली मेथी और हींग का तड़का लगेगा यहाँ पर इसमें अरबी में। और उसके बाद मैंने एक टमाटर पीस के रख दिया है कच्चा, मतलब ऐसी भी कट के भी डाल सकते हैं, लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर सिर्फ टमाटर डालूँगी। और टमाटर को अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद इसमें अच्छा से मसाला डाल देंगे, टेस्टी सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब अरबी की सब्ज़ी, बहुत लोगों को ऐसा रहता है ना, अरबी की सब्ज़ी चिपचिपी रहती है, ऐसी वो रहती है तो पसंद नहीं आती है। बहुत लोग होते हैं ऐसे जिनको पसंद नहीं रहती अरबी की सब्ज़ी, पर मेरी तो फेवरेट है यार। किसकी किसकी फेवरेट है अरबी की सब्ज़ी, मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। बहुत मेरे को बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों, मतलब मुझे सारी सब्जियों से अच्छी मुझे अरबी की सब्ज़ी लगती है। तो यहाँ पर ना मैं डब्बू में से ही मसाला निकालती हूँ, तो मसाला मैं डाल दूँगी इसमें नमक मिर्ची हल्दी। गाइस ये आधा किलो अरबी लेके आई थी मैं मार्केट से, तो वही मैंने उबालने के लिए रखा था। तो इसमें मैंने डाल दिया है एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और इसको हिला लेंगे, एक अच्छा सा मसाला बन जाता है मेरा, पता है। मैं कुछ और मसाले नहीं भी डालूंगी ना, बस इतने मसालों से। अभी देखना आप मसालों का जो इसमें पकेगा ना वो कितना अच्छा सा लगेगा। कैसे हैं आप सब लोग, आप लोग कैसे हैं जरूर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और क्या कर रहे हैं, मॉर्निंग का काम हो गया आपका? मेरा ब्लॉग अभी जाएगा थोड़ी देर में एडिटिंग करके, रात को एडिटिंग नहीं किया क्योंकि बच्चे लोग सोते नहीं यार, बहुत लेट सोते, तो एडिटिंग करने में थोड़ा सा परेशानी हो जाती है। क्योंकि मैं एडिटिंग करने बैठती हूँ ना तो फिर ये लोग बीच में ही पता नहीं क्या क्या बातें करने लग जाते हैं, और फिर सारी आवाज़ इनकी आती है, मेरी तो कोई आवाज़ ही नहीं आती है फिर एडिटिंग करते समय। इसलिए अभी ये लोग खेल रहे हैं, मैं थोड़ी देर में एडिटिंग करूँगी, थोड़ा हो गई है, थोड़ा सा बाकी है, फिर ये क्लिप करके मैं एडिटिंग करूँगी। और यहाँ पर हो रहा है, इन दोनों की बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही है, बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही है। अरे इधर मत जाओ, इधर गिर जाओगे बेटा शिवांगी, उधर से हट जाओ, गिर जाओगे। और ये देखिए, और सुबह का काम लगभग लगभग हो चुका है, मतलब कपड़े तो धोने हैं बस, और बाकी तो हो गया है। और कपड़े मेरे बाद में ही धुलते हैं, मैंने आपको बताया था ना, बस इनको नहलाती हूँ अभी और उसके बाद फिर धोऊंगी कपड़े, फिर इनके भी साथ में ही धो देती हूँ। और आज मशीन में डाले हैं कपड़े, आजकल पानी थोड़ा सा अच्छा आता है ना तो इसलिए मशीन में डाल देती हूँ। ये
ये देखिए इनकी आवाज़ें आती है ना आपको। चलो मैं दूसरे रूम में जाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ये आ गई मैं मंदिर वाले रूम में, ये देखिए मेरे भगवान जी। और इनके सामने तो बात करना इतना वो रहता है ना, क्या बताऊँ, ये लोग करने नहीं देते बात। और बाहर हवा चल रही है, अभी थोड़ा सा हवा चल रही है, नहीं तो बहुत गर्मी हो रही है यार, इधर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बाहर ये देखिए दिख रहे हैं ना पेड़ कितने अच्छे हैं इधर, यहाँ पर सोसाइटी में अच्छे से पेड़ लगे हुए हैं। तो यहाँ से थोड़ा हवा आती है। ये मम्मी लोगों का बेडरूम है, लेकिन ये लोग यहाँ पर नहीं सोते हैं, ये लोग हॉल में ही सोते हैं, तो इसलिए इसको मंदिर का रूम बना दिया हमने, मंदिर बनाया। बेड लगे हुए हैं, पर क्या है कि ये लोगों को पसंद नहीं है यहाँ पर सोना, इसलिए वो लोग बाहर के रूम में ही सोते हैं पहले। पर ये रूम ना मेरे बच्चे इसमें खेलते रहते हैं। देखिए यहाँ पर दो ये मशीन रखी है, सिलाई वाली मशीन रखी है, लेकिन आजकल बिल्कुल काम नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि इसमें बच्चे लोगों ने ना पूरा ख़राब कर दिया है यार, ये मशीन पूरी ख़राब कर दी है। और अभी मैंने मशीन में डाल दिए कपड़े, कपड़े मेरे घूम रहे, मुझे दूध गर्म करने रखना है, उसके बाद इनको नहलाऊंगी। मम्मी लोग गए हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए, और आज ना ये देखिए खेत की सब्जी, उधर किसी ने खेती की है ना, तो मैंने उनको बोला था तोरी वाली, तोरी आई है आज तोड़ के, ताज़ी अभी तोड़ के लाए हैं, देखो अभी तोड़ के लाए हैं। आप देखो इसकी सब्जी बनाएंगे, कब बनाएंगे मम्मी से पूछूंगी। और अभी मम्मी गई है सब्जी लेने के लिए, मम्मी और मेरे हस्बैंड गए हैं सब्जी लेने के लिए। अब मैं दूध गर्म करने रख दूँगी, दूध मैंने बाहर निकाल के रखा है फ्रिज से, ये इसको गर्म करने लगे भी। हम तबेले वाला दूध लाते हैं, पैकेट वाला दूध ना मेरे बच्चे लोग नहीं पीते, मतलब उनका पेट ख़राब हो जाता है वो वाला दूध पी के। तो मैं दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ, और फिर मुझे बहुत सारा काम करना है। अभी बच्चों को नहलाना है और कपड़े धोने हैं, उसके बाद मैं नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, और ये ब्लॉग मैं यहीं पर इसको ख़त्म करूँगी, ठीक है, यहीं पर करूँगी इस ब्लॉग का, और मिलूँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।